लेकिन विपिन लियाओ से ये बात सुनते सुनते विपिन ने उससे पूछा कि आखिरकार विपिन लियाओ से मुझे समझ में नहीं आया कि अगर काला बाजार के बारे में यहाँ पर सभी को पता है, क्योंकि ये देखते हुए कि अगर तुम्हें भी इसके बारे में पता होगा तो फिर तो यहाँ पर चोंग साम्राज्य और शाही परिवारों को ये इसके बारे में जरूर ही पता होगा। हालांकि फिर भी यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन या फिर शाही परिवार यहाँ पर इनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे या फिर यहाँ पर इस काले बाजार को बंद क्यों नहीं कर रहे। विपिन वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज था, क्योंकि ये देखा जा सकता था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर एक मौत का घेरा भी था जिसके अंदर बहुत सी जाने जाया करती थी, काला काम हुआ करता था। तो उसको देखने के बाद में कोई भी राज्य की व्यवस्था उसको हटाने के लिए काम किया करती थी, हालांकि यहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं था। वहीं विपिन के इस तरह के बेतुके सवाल के साथ में विपिन लियाओसी ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और उससे कहा, अरे विपिन आप अभी तक नहीं समझे, आपको ये तो पता ही होगा ना कि कितना ज्यादा बड़ा साम्राज्य होता उतना ज्यादा वहाँ पर लड़ाकू आएंगे, और फिर आपको पता है ना लड़ाकों को क्या चाहिए होता है, अपने साधना को आगे बढ़ाने के लिए संसाधन, और साम्राज्य क्यों इतना बड़ा है लेकिन उसके अंदर वही चीज़ें कम है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर काले बाजार को अंदर लिया जाता है, क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता था ना कि अब चोंग साम्राज्य केवल काले बाजार को अपने हित के लिए बंद कर सकता था। अगर उसने ऐसा कर्ज कर दिया तो उसके बाद में जो वहाँ पर लड़ाकू खरीदारी के लिए आया करते थे वह या तो उनके खिलाफ चले जाते या फिर वह उस चोंग साम्राज्य से बाहर निकल जाते, जिसके बाद में चोंग साम्राज्य को यहाँ पर शक्तिशाली ताकत नहीं माना जा सकता था, उसके साथ में तो उसका अस्तित्व भी गिर जाता। इसी वजह से चोंग साम्राज्य के अंदर का जो साम्राज्य का सम्राट है ना वो वहाँ पर उसको नहीं हटाना चाहता था। और रही बात मास्टर टीचर पवेलियन की, तो मास्टर टीचर पवेलियन भी जब तक किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं देता तब तक कोई चीज यहाँ पर कोई गलत काम या फिर किसी तरह से साम्राज्य अंदर किसी को मार नहीं रही हो, क्योंकि यहाँ पर काला बाजार केवल अपने एरिया के अंदर रहकर ही अपना काम करया करता था, वह वहां से बाहर नहीं निकला करता था। और इसके अलावा काले बाजार के अंदर केवल वही लोग आते थे जिनकी यहाँ पर इच्छा हो, और इसको देखने के बाद में वहां पर मास्टर टीचर पवेलियन ने भी उन्हें छूट दे दी थी, क्योंकि अगर वह यहाँ पर साम्राज्य के अंदर ये सभी मारपीट नहीं करेंगे तो यहाँ पर माहौल भी सही रहेगा। और उसी माहौल को देखने के साथ में यहाँ पर अब ये देखा जा सकता था कि हाँ वास्तव में इन्हें यहाँ पर एक छूट दी जा सकती थी। इसी वजह से यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन ने भी इसी के बारे में सोचा और इन सभी को यहाँ पर ये व्यापार करने दिया। विपिन लियाओसी ने यहाँ पर विपिन को समझाया, क्योंकि ये कहावत तो है ना, जहाँ पर रोशनी थी वहाँ पर परछाई तो जरूरी होनी थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए काला बाजार काला काम करता है, वह गैर कानूनी काम करता है, हालांकि वह अपने क्षेत्र के अंदर रहकर वह शहर के अंदर नहीं आता अपना काला सामान लेकर या फिर किसी तरह से कोई गलत काम करने के लिए। इसी वजह से आज तक उन्होंने अपने अस्तित्व को इस तरह से बनाकर रखा हुआ है। इसके साथ में साम्राज्य को बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, जैसे कि यहाँ पर कोई संसाधन चाहिए होता तो वो वहाँ से ले लिया करते, और अगर वहाँ से कुछ काम होता या फिर यहाँ पर कोई बड़ा खतरा आ जाता तो वहाँ पर वह काले बाजार वाले यहाँ पर मदद करने के लिए आ सकते थे, लड़ाकू यहाँ पर रहा करते थे। इसी वजह से साम्राज्य हमेशा अपनी पोजीशन को क्रिएट करने में कामयाब रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, तो बात कुछ ऐसी है। वास्तव में विपिन के हिसाब से जो काला बाजार है ना वह हर एक साम्राज्य के अंदर फैला हुआ होगा। इसके अलावा मास्टर टीचर पवेलियन के आसपास होने का एक कारण ये था कि वहाँ पर ताकत को बढ़ावा मिलता था। जहाँ पर अभी विपिन होंगान सिटी के अंदर से आया था वहाँ पर भी जरूर ऐसा कुछ होगा, हालांकि विपिन के पास में बहुत सारा काम था इसी वजह से वो वहाँ पर उसे नहीं देख पाया था। जहाँ पर अभी वो बातें कर ही रहे थे वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी कहता है, ठीक है विपिन अब हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। विपिन लियाओसी ने जैसा वैसा कहा, दोनों वहाँ पर एक जगह रुक जाते हैं और वो अपने सामने देखते हैं कि उनके सामने एक विशाल सी घर था। हालांकि जिससे पहले कि वो वहाँ पर अंदर घुस पाते ना अचानक से उनके सामने दो युवा वर्ग के पुरुष आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है जल्दी से अपने अपने टोकन्स दिखाओ उसके बाद में तुम लोग अंदर जा सकते हो। वास्तव में जो दोनों लड़ाकू भी उनके सामने आए थे ना वह कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं थे, वह संत स्टेज 4 के शिखर के ऊपर के लड़ाकू थे और उनके अंदर से वास्तव में शक्तिशाली ओरा बाहर निकल रहा था, जिसके साथ में यह समझा जा सकता था कि हाँ वास्तव में यहाँ पर अभी भी सिक्योरिटी टाइट
रखी गई है। उसी साथ में विपिन लियाओसी ने अपने पास में से दो टोकन बाहर निकाले और उसको दे दिया। उसको देने के बाद में अचानक से वह दोनों आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, ठीक है अब इस काले कपड़े को अपनी आंखों के ऊपर बांध लो। वहां पर उनकी बात सुनने के बाद में विपिन और विपिन लियाओसी दोनों ने वहां पर उस काले कपड़े को अपने आंखों के ऊपर बांध लिया था। हालांकि जैसे ही विपिन ने वहां पर उस काले कपड़े को बांधा तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर से वो बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। इसके अलावा उसके अंदर ऐसा पता नहीं क्या था जिसके साथ में वहां पर वो आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज भी नहीं कर पा रहा था, जिसके साथ में वो किसी भी चीज को स्कैन नहीं कर पाता। जल्दी ही अब वह दो लोगों के साथ साथ में आगे बढ़ने लगे और कुछ देर चलने के बाद में आखिरकार अब उनकी आंखों के सामने जो कपड़ा लगा हुआ था उसको हटा दिया गया था और फिर से अब उन्होंने देखा कि उनके सामने बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ था। चारों ओर भीड़ बिखरी हुई थी, भले ही वह अभी जमीन के अंदर हो लेकिन फिर भी वहां पर रात की रोशनी के अंदर बहुत सारे मोती जगमग रहे थे जिसने पूरे मार्केट को यहाँ पर रोशन कर रखा हुआ था। ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा विशाल है। अपने सामने के उस इलाका को देखने के बाद में विपिन की आंखें वहीं पर ही झपकने लगी। यह वास्तव में ऐसा काला बाजार हो सकता है? ये बहुत ही ज्यादा विशाल है। विपिन वास्तव में बहुत बार व्यापार करने के लिए बहुत सारे होल, बहुत से बाजारों और बहुत सी अलग अलग गिल्ड्स के अंदर गया था। हालांकि वहां पर भी उसने इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी थी जितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा थी। विपिन अब आगे की तरफ बढ़ रहा था और उसने अपने आस पास में बहुत सी चीजें देखी। उसने देखा कि उसके सामने अभी एक ठेला है और उसके ऊपर एक क्रिस्टल पड़ा हुआ था। विपिन उसके पास में जाता है और उसको जांच करने लगता है। नहीं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ब्लैक गोल्ड अयस्क, आखिरकार ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? विपिन के अभी वही क्रिस्टल वहाँ पर देखा था जो कुछ समय पहले उसके पास में था और गोल्डन ओजन कढ़ाई को अपग्रेड करने के लिए उसने उसका यूज कर लिया था, जिसको ग्रैंड मास्टर कृष्णा ने उसके लिए पीछे छोड़ा था। वही विपिन को इस तरह से चौंकते हुए देखकर विपिन लियाओसी ने उससे कहा, विपिन इतने ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तक तो आपने केवल ये देखा है और आप ये सोच रहे हैं ना कि आखिरकार ये ब्लैक गोल्ड अयस्क यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे से ये कितना ज्यादा दुर्लभ अयस्क क्यों ना हो, हालांकि ये तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपको ये कहीं भी देखने को मिल जाएगा। ये चाहे से इस पूरे चोंग साम्राज्य के अंदर ना मिले लेकिन यहाँ पर इसको देखा जा सकता था, विपिन लियाओसी ने मुस्कुराते हुए कहा। और उससे उसने कहा, अरे और इसके अलावा ये ब्लैक गोल्ड अयस्क तो कुछ भी नहीं है, इससे भी दुर्लभ चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हालांकि बस एक ही खराब बात है कि इनकी जो रेट है ना वो वास्तव में बहुत ही ज्यादा हाई हुआ करती है। वास्तव में जब पहली बार यहाँ पर विपिन लियाओसी भी आया था ना तो उस वक्त भी वहां पर उसने ऐसा ही कुछ देखा था और जब वहां पर वह उसने ऐसा कुछ देखा था तो उसके साथ में वह बहुत ज्यादा चौंक गया था और उसके साथ में वह विपिन को भी देख सकता था कि हाँ वास्तव में विपिन की भी ऐसी हालत होना तो तय ही थी। देखो विपिन, आपको यहाँ पर क्या क्या मिल सकता है? आपको यहाँ पर साधना टेक्निक्स मिल सकती है, संत मध्यवर्ती कलाकृति मिल सकती है, बुद्धिमता से जुड़ी हुई और भी सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल सकती है। वैसे ही बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप यहाँ पर खरीद और बेच सकते हैं, विपिन लियाओसी ने विपिन को समझाया। वहीं अब विपिन और विपिन लियाओसी दोनों सड़क पर आगे चलते जा रहे थे। विपिन जैसे जैसे अपने आसपास की चीजों को देखता जा रहा था वह वैसे ही हैरान और अवाक दोनों की दोनों रहता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई सपनों की दुनिया के अंदर आ गया हो जहाँ पर हर एक तरफ उसको मिलने वाली हर एक चीज पड़ी हुई हो। कुछ देर चलने के बाद में विपिन आखिरकार एक जगह पर रुक जाता है। उसके सामने अभी एक साधना टेक्निक से भरी हुई स्टोर थी जहाँ पर जाकर वह विपिन पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि क्या यहाँ पर हाफ संत स्टेज 5 की कोई मैनुअल मिल सकती है? जैसे विपिन ने वहाँ पर पूछा उसके सामने खड़े हुए उस बुजुर्ग ने बड़े ही रूढ़ होते हुए कहा, हाँ सब हमारे पास है, तुम्हें जो चाहिए तुम वह बताओ, मैं तुम्हारे लिए वह लेकर आ जाऊंगा। लेकिन यह है कि अगर आप यहाँ पर संत स्टेज 5 की जो साधना टेक्निक लेना चाहते हैं उसकी अलग अलग कीमतें हैं, जैसे कि लो टीयर, हाई टीयर, मीडियम टीयर, इनकी सबकी अलग अलग रेटें आपको देखने की मिलेगी। अगर आपको चाहिए तो बोलो वरना यहाँ से निकलो। उसके बाद सुनने के बाद विपिन ने कहा, अरे अरे भाई रुको तो सही, पहले तुम मुझे बताओ कि आखिरकार इन सभी की जो कीमत है वो कितनी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद सुनने के बाद में उस दुकानदार ने उससे कहा, बस इतनी सी बात, वो देखो वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, तुम्हें जो चाहिए तुम बता दो मैं वो ले आऊंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके सारे को देखने के बाद विपिन देखता है ना तो वो पाता है कि वहाँ पर अभी सेंट इंटरमीडिएट टीयर की कोई तकनीक थी और उसके साथ में उसी कम से कम होती जा रही थी, यानी कि जो संत इंटरमीडिएट टीयर की साधना टेक्निक थी ना उसकी रेट ही 10 केंद्रीय हाई लेवल स्पिस्टोन से। उसके साथ में विपिन की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्या इतनी महंगी? अरे मेरे को यहाँ पर बर्बाद तो ना होना है,
पहले ही मेरे को यहाँ पर साधना के लिए यहाँ पर कुछ मिल नहीं रहा और तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मेरे को ये सब कुछ लेना होगा। नहीं नहीं भाई, मेरी इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको खरीद सकूं। क्योंकि जाहिर से विपिन एक किताब खरीद ले, उसके साथ में विपिन को कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आखिरकार उसको एक स्वर्ग की दिव्य साधना टेक्निक बनानी थी जिसके साथ में वह साधना किया करता था। अगर वह यहाँ पर ऐसे चुनिंदा कुछ किताबों को लेने लगा और उनको पढ़ने लगा तो विपिन की तो नैया पार हो जानी है। फिर तो वो पता नहीं कौन सी दुनिया के अंदर रहेगा, क्योंकि कम से कम उसको कई हजार लाखों किताबें चाहिए होगी एक साफ सुथरी टेक्निक बनाने के लिए। अच्छा, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पास में संत स्टेज 5 की कितनी साधना टेक्निक्स पड़ी हुई है? हाँ, लो टीयर से हाई टीयर के अंदर की। उसकी बात सुनने के बाद में दुकानदार ने उससे कहा, देखो मेरे पास में संत स्टेज 5 के ऊपर जाने के लिए 327 टेक्निक हैं, और इसके अलावा अगर तुम्हें यहाँ पर संत स्टेज 5 के ऊपर जाना है तो उसके लिए मेरे पास में 52 मैनुअल्स पड़ी हुई है। इसके अलावा तुम्हें एक और बात मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास में पवेलियन मास्टर चिरायु और वहाँ के सम्राट दोनों से रिलेटेड जो साधना टेक्निक्स है वो भी मेरे पास में तुम्हें मिल जाएगी। बस तुम मुझे यहाँ पर एक बार हाई लेवल स्पेस स्टोन्स दे दो, उसके बाद में मैं तुम्हारे लिए वह मैनुअल निकाल दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत होगी। और हाँ, तुम इधर उधर देखना बंद कर दो, तुम चाहे से कुछ भी कर लो। हालांकि जिस अलमारी के अंदर उन सभी साधना टेक्निक्स को बंद किया हुआ है ना, उसके ऊपर एक सील लगी हुई है जिसके बाद में तुम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का कितना भी ज्यादा जोर लगा लो तुम वहां पर उनको स्कैन नहीं कर सकते। दुकानदार ने एक डेविल से स्माइल के साथ में उससे कहा। वहीं दूसरी तरफ क्या वास्तव में ऐसा है? लेकिन वही अब विपिन अब अलमारी को देखने लगता है और वो पता है कि हाँ वास्तव में वहाँ पर वह अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ में उसको स्कैन नहीं कर पा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके ऊपर कोई सील लगाई गई हो। हालांकि यहाँ पर विपिन को कौन सी आध्यात्मिक धारणा यूज करने की जरूरत थी? अरे विपिन के पास में तो उससे भी खतरनाक चीज थी जिसके सामने सब फेल थे, स्वर्ग की लाइब्रेरी। उसके साथ में विपिन ने अपनी आंखें वहां पर लगाई और उससे कहा, गलतियां। अचानक से जैसे उसने ऐसा कहा, अचानक से उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें बनकर आ जाती है। काम कर गया, अब मेरे को इनको खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि विपिन उनकी मात्रा को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी भी था, क्योंकि वह इतनी ज्यादा नहीं थी जिसके साथ में वह एक स्वर्ग की साफ एनर्जी बनाकर उसको बेच सके। और इसके अलावा जो इस बुढ़ऊ ने कहा था ना, वास्तव में ऐसा ही है। इसके अंदर तो क्राउचिंग ड्रैगन और पवेलियन मास्टर चिरायु की वह तलवारबाजी की टेक्निक भी पड़ी हुई है। वास्तव में यह काला बाजार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं इन सभी को ये सभी चीजें कहाँ से मिल जाती है, क्योंकि विपिन जानता था कि शाही परिवार और पवेलियन मास्टर चिरायु दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक थे। अगर वह यहाँ पर कोई भी उनकी साधना टेक्निक को चुराने की कोशिश करे तो उनकी तो मौत तय थी। हालांकि फिर भी यहाँ पर इन सभी साधना टेक्निक्स का होना वास्तव में ये कोई छोटी बात नहीं मानी जा सकती थी। विपिन को ऐसे सोच विचार करते हुए देखकर वहां पर अब उस बाजार वाले का दिमाग खराब होने लगा था। और उसने कहा, ए अब तुम यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कौन सी साधना टेक्निक लेना चाहते हो, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए उसे कॉपी कर तुम्हें दे दूंगा।